राजधानी भोपाल से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची मिसरोद थाना क्षेत्र में ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मां ने देर रात मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। जिस स्कूल में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पहले आप उसका नाम जान लीजिए। वो स्कूल मिसरोद रोड पर ज्ञान गंगा एकेडमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 वर्षीय छात्रा से ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म हुआ है। बच्ची को पहले दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, उससे वो बेहोश हो गई। जब बच्ची को होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था। ये सुनकर आपकी आत्मा कांप गई होगी। जब एक छोटी बच्ची जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है उसको होश आया तो उसके साथ गलत काम हो रहा था। घटना 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मां को बच्ची ने फोन पर सारी घटना बताई। मां दौड़ी दौड़ी इंदौर से स्कूल पहुंच गई। मां को देखते ही बच्ची लिपट कर रोने लगी। बच्ची ने मां को पूरा वाक्या बताया। इसके बाद पीड़ित मां अपनी बच्ची के साथ JP अस्पताल पहुंची, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खुलासा किया उसके सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सूजन थी, उसको प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हुई थी। परिजनों की शिकायत, मां की शिकायत के बाद पुलिस ने हॉस्टल वार्डन समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अब डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस मामले में अब मध्य प्रदेश के राज्य बाल संरक्षण आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे ने अपने 2 सदस्यीय जांच दल को सबूत जुटाने में लगा दिया है, जांच करने के निर्देश दिए हैं। CM के निर्देश के बाद ACP मिसरोद रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में SIT गठित भी हो गई है, जिसमें थाना प्रभारी मिसरोद और SI श्वेता शर्मा इस SIT टीम की सदस्य रहेंगी। प्रकरण में SI प्रकाश राजपूत का नाम भी सामने आया है। प्रकाश राजपूत पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, जब किसी पीड़िता के साथ कुछ होता है तो इन्हीं पुलिस वालों में से कुछ लोग आरोपी को बचाने चले आते हैं। इन पुलिस वालों में एक प्रकाश राजपूत हैं, जो इस पूरे मामले को दबा रहे थे। इसके चलते अब इन पर भी FIR दर्ज की गई है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पैन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है 2-3 बार बोला, तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा ऐसा जैसा बताया कि बच्ची भी मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पर सो रही थी। तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया, बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मेरी मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा, बच्ची पिलक पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे, तो बोले हाँ मम्मा मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी, जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊँगी, फांसी चढ़वाऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत का कहना कि उस स्कूल का ओनर है मोदी। इस संबंध में मिसरोद थाना TI मनीष भदौरिया का कहना है कि मासूम बच्ची का मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी प्रमुख लोगों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, CCTV की रिकॉर्डिंग जब्त की गई है। फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
इस मामले में एक टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कल एफआईआर दर्ज हुई है चंद्रशेखर और पॉक्सो का मामला है, इसमें ज्ञान गंगा एकेडमी में होस्टल के नेशनल पुलिस में बताया गया है। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया गया है, मृतक का मेडिकल कराया गया है, अभी आगे फर्दर कार्रवाई जो होता है 164 की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में जो है साइंटिफिक एविडेंस है तो स्पेशल टीम को ही बताया गया है, उसके जो भी प्रॉपर डिविजन है वो कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन का बयान भी सामने आया है। स्कूल के डायरेक्टर प्रियंका मोदी ने सभी आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियादी हैं। उसका कहना है कि उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की छुट्टी नहीं लगी है, बच्ची हंसते हुए स्कूल से बाहर गई है, फिर भी मैं कहूंगी कि यदि बच्ची के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं। प्रियंका मोदी आरोपित विद्यालय संचालक की पत्नी है। आरोप जो लग रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, है ना। और हम ज्ञानगंगा परिवार की तरफ से, मैं प्रियंका मोदी एज अ डायरेक्टर, ये चाहती हूँ कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस तरह से अच्छा कोई चीज़ सामने निकल कर आएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 28 साल से इस स्कूल को रन कर रहे हैं, आज तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। और जिस महिला ने ये आरोप लगाया है उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा नहीं किए गए। जो 19 तारीख को एडमिशन आया और 29 तारीख को वो यहाँ से अपनी बच्ची को हंसी खुशी लेके गई, खेलते खाते और बढ़िया उसने बात की, वार्डन मैम लोगों से कहा कि मुझे ऑनलाइन आप पढ़ाई कराइएगा, तो ऐसा कुछ भी न्यूसेंस चीज़ नहीं लगी थी। और उसी दिन रात को अचानक फ़ोन आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, यहाँ आना चाहती है, सब पूरा उन्होंने देखा। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने कहा कि बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, इस मामले में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, एक पुलिस वाले का नाम भी सामने आया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना भी जारी है और जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकाश राजपूत अरेराज थाने में है और इसका क्या रोल है ये सब चीज़ें विवेचना में देखी जाएंगी। अभी इसमें देखते हैं विवेचना में जो भी चीज़ें हैं और जो भी बच्ची जिनको पहचानेगी या जो भी चीज़ें एविडेंस के आधार पर आएंगी विवेचना में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।